Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss about the financial system design. अगर financial system के design की हम बात करें तो दो हिस्सों में पूरे financial system को बांट सकते हैं. किसी country का financial system bank based हो सकता है, किसी country का financial system market based हो सकता है. So these are the two things that we are going to discuss in this particular video. So अगर हमको divide करना है तो हम countries को, अलग अलग countries को इस चीज में divide कर सकते हैं कि कोई कंट्री बैंक बेस्ड हो सकती है और कोई कंट्री मार्केट बेस्ड हो सकती है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं. जैसे इंडिया ले लो, इंडिया इज अ बैंक बेस्ड, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये बैंक बेस्ड है. मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम में मेजर पार्ट या मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं, यहाँ पे बैंक्स होती है. आरबीआई और आरबीआई के अंदर आने वाले जितनी भी बैंक्स है, बैंक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम. हमारी ग्रोथ का, हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट बैंक है. जो कैपिटल मार्केट है हमारे यहाँ पे, सिक्योरिटीज मार्केट है इंडिया में, ये तो अभी अभी मान लो 10-15 साल से या 1990 के बाद से थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन बैंक्स आर प्रीटी मच ओल्ड इन आवर कंट्री. सो हमारा सिस्टम बैंक बेस्ड चलता है. बहुत सारी चीजें या इकोनॉमी बैंक पे, बैंक्स पे डिपेंड करती है. जो फंड्स प्रोवाइड कराना होता है बैंक पे डिपेंडेंट होती है. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जिनकी इकोनॉमी सिक्योरिटीज मार्केट या मार्केट बेस्ड होती है, कैपिटल मार्केट पे उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है, ना कि बैंक बेस्ड होती है. तो बैंक इतना मेजर रोल प्ले नहीं करते उनकी इकोनॉमी में. सो अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से डिवाइड करना चाहें तो कुछ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज होती है और कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड होती है. ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है सर जो कि डेवलप्ड है और उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है बैंक बेस्ड चलता है, जैसे इंडिया का चल रहा है. सो ऐसे कंट्रीज में जापान एक आता है, आपका फ्रांस आएगा, इटली, ये डेवलप्ड कंट्रीज है और यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम बैंक बेस्ड चलता है. सर मार्केट बेस्ड कौन सा, सर ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो मार्केट बेस्ड चलती है, जहाँ पे मार्केट मेजर रोल प्ले करते हैं. यूएसए, अमेरिका जैसे आपने सुना, यूके, इंग्लैंड हो गया. ठीक है, फिर आप सिंगापुर ले लो, इनफैक्ट कोरिया और मलेशिया ले लो. दीज आर डेवलप्ड मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स. यहाँ पे अंडर डेवलप्ड में बात करते हैं बैंक बेस्ड. जैसे कि मैंने कहा हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है और यहाँ पे बैंक बेस्ड सिस्टम है. पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, अर्जेंटीना ले लो. और अगर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की बात करें तो अंडर डेवलप्ड सेक्शन में आपका ब्राज़ील आता है, मेक्सिको आता है, आपका टर्की आता है. हम इन सबको यहाँ पे देख लेते हैं मैप में. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेवलप्ड और बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम की. और अगर डेवलप्ड और बैंक बेस्ड अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने कहा था फ्रांस, इटली, इनफैक्ट जर्मनी, ये डेवलप्ड है. सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर थोड़ा इधर आते हो, ये इंडिया अपना, और ये अगर आप देखते हो तो जापान भी डेवलप्ड और बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है. ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो मैं सारी चीज़ें नोट कर लूँगा उसके अंदर. नहीं होता, चलो इतना ही सही. इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा. सो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान, ये
डेवलप्ड है और बैंक बेस्ड है, ठीक है, सो डी और बी। इसके बाद अंडर डेवलप्ड और बैंक बेस्ड अगर हम देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। फिर से एक बार लिख लेता हूँ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, डेवलप्ड और बैंक बेस्ड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और क्या अर्जेंटीना बताया था वो मैप के उधर साइड में आएगा, अंडर डेवलप्ड और बैंक बेस्ड। और अगर डेवलप्ड और मार्केट बेस की बात करूं तो ये रहा यूके, डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड है। यूएसए उधर आ गया, कोरिया, इसके अलावा मलेशिया, और इधर ये सिंगापुर, दोनों एक ही जगह पे आएंगे। ये है आपके डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड। अंडर डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो हमने बोला था फिलीपींस शायद आता है उसके अंदर में, सॉरी ये फिलीपींस हो गया, मेक्सिको, ये टर्की आ गया, तो ये हो गया अंडर डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं अभी यूएसए साइड वाली कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। अगर आप डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड पकड़ो तो ये हो गया, ठीक है, और अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड हो गया, ठीक है। अंडर डेवलप्ड और मार्केट बेस्ड बोले तो मेक्सिको एंड ब्राज़ील इधर में, डेवलप्ड और बैंक बेस्ड तो सारी चीज़ें उधर आ चुकी हैं, और अंडर डेवलप्ड और बैंक बेस्ड बोलो तो अर्जेंटीना यहाँ पे एक, बाकी तो मैंने उधर देख ही लिया। सो बेसिकली आपको मैंने एक एरिया बता दिया कहाँ पे आ रही है चीज़ें। सो आपको मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बैंक बेस्ड सिस्टम के। बैंक बेस्ड के पहले हम मार्केट बेस्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, मतलब अगर मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है तो उससे फ़ायदा क्या होता है सर हमको। देखो एक चीज़ है, इंडिया भी हो सकता है धीरे धीरे जब इंडिया में कैपिटल मार्केट अपना सिक्योरिटीज़ मार्केट पकड़ बनाना शुरू कर दे, तो इंडिया जब डेवलप्ड कंट्री बनेगा सालों बाद में, तो हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज़ मार्केट हमारा ज़्यादा डोमिनेट करे बैंक से। एज ऑफ नाउ तो बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। तो मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, आप देखो शेयर्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यू कैन डाइवर्सिफाई योर मनी। सो देर इज़ एन ऑप्शन। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज इज डाइवर्सिफिकेशन, और क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होता है तो सेकंड एडवांटेज यू कैन से रिड्यूस रिस्क। और क्या क्या एडवांटेज, जैसे आप बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके हाथ में नहीं रहता वो पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है, आपके हाथ में नहीं रहता वो पैसा कहाँ जा रहा है। और बैंक वाले जनरली क्या करते हैं ना कि सेफर साइड चलते हैं, तो क्योंकि बैंक में पैसा जो इन्वेस्ट करते हो एफडीज में, सेविंग्स में, वो उसमें रिटर्न कम मिलता है क्योंकि बैंक्स रिस्क कम लेती है, और क्योंकि रिस्क कम लेती है तो जो नई नई टेक्नोलॉजी फर्म्स है, टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इनको ग्रोथ नहीं मिल पाती। बट मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में इट्स वेरी मच पॉसिबल कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है इनकी ग्रोथ होगी, इनोवेशन को फैसिलिटी मिलती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इट मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम फैसिलिटेट करता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन फैसिलिटेट करता है। सो टेक्नोलॉजी फर्म्स के लिए या टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो होती है, जैसे फेसबुक हो गया, ये जो गूगल हो गया, विंडोज़ हो गया, एप्पल हो गया, इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो आप देखोगे ये सारी फर्म्स कहाँ से, यूएसए से है, जो कि मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम वहाँ पे चलता है।
क्योंकि वहां पे इन मार्केट्स का ज्यादा रोल है फाइनेंशियल सिस्टम में रादर देन बैंक. ठीक है, डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं कि मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम होने की वजह से नुकसान क्या होता है. पहली चीज, मार्केट इनस्टेबल है. आपको पता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की है. सो देयर इज इनस्टेबिलिटी. लिटी ऑफ मार्केट. सेकंड डिसएडवांटेज है कि मार्केट रिस्क आपको बना रहेगा. यहाँ पे जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो आपका पैसा सेफ होता है, लेकिन यहाँ रिस्क बना रहेगा. कौन सा रिस्क? मार्केट रिस्क, कि आपके पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं. और तीसरी है प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो. सर, फ्री राइडर प्रॉब्लम के बारे में बताओ. फ्री राइडर का मतलब क्या हो गया? मैं आपको पहले तो लोकल लैंग्वेज में समझा के बताता हूँ, नॉर्मल से बेसिक सी चीज, लेमैन लैंग्वेज यू कैन से. फ्री राइडर यानी कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो. मेट्रो में, मेट्रोज भी नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो. जैसे रास्ते बने हुए हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रास्ते, रोड्स. ये रोड्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है अपनी कंट्री में. गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? जो पब्लिक टैक्सेस पे करती है. सो बेसिकली मैं हो गया, तो मैं टैक्स पे करता हूँ तो रोड बनते हैं, तो मेरे को रोड यूज़ करने मिलते हैं. सो मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ क्या रोड? नहीं, मैं फ्री में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम पेइंग फॉर दैट. बट इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे नहीं करते और स्टिल रोड यूज करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री राइडर प्रॉब्लम. मतलब ऐसी चीज जो बाकी लोग खर्चा करके यूज कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां पे मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बिना पे किए उस चीज को यूज कर सकते हो. और जैसे मैं हो गया, या फिर अनिल अंबानी हो गया, और फिर अक्षय कुमार हो गया, इन लोगों को पे करना पड़ता है टैक्सेस एंड दे यूज इट. सो एक तरह से वो लोग पे कर रहे हैं यूज करने के लिए, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट विदाउट पेइंग एनीथिंग. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. कि फ्री में, अच्छा इसका अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोलूँ तो, मेरे को घोड़ा चलाना था, मैंने पैसे दिए, घोड़ा किराए पे लिया और चलाया, लेकिन किसी और ने फ्री में घोड़ा चला लिया. राइडिंग करना, राइड करना, दैट इज अ फ्री फ्री राइडर प्रॉब्लम. तो मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, ये तो मैं आपको लेमैन में समझा रहा था, अब मैं टॉपिक में आता हूँ. सर, मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसा क्या होता है जिसमें लोग फ्री में चीजें यूज करते हैं और कुछ लोग पे करते हैं उसके लिए? सेम चीज, सेम सेम, नो चेंज, नो चेंज. सो मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में सेबी है, सेबी के अंडर में बहुत सारी कंपनीज आती है, लिस्टेड कंपनीज, तो उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मार्केट में पब्लिश करने पड़ेंगे हर क्वार्टर में, हर महीने, हर क्वार्टरली रहता है, ऑडिटेड अनऑडिटेड, फिर एनुअली भी आपको पब्लिश करने पड़ेंगे. तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी के बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है दो लोगों को, जो कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उनको, जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनको भी. जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उनको तो पैसा दे के मिला ना, वो चीज पैसा दे के मिला, इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने कंपनी में, पैसा लगाया, उनको खर्चा हुआ है, मार्केट प्राइसेस पे उन्होंने शेयर्स खरीदे और उनको इन्फॉर्मेशन मिली. क्योंकि सिस्टम ऐसा है, पब्लिक में इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आ जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स नहीं है, जैसे कि मान लो मेरे पास में आज एप्पल के शेयर्स नहीं है, लेकिन एप्पल की पूरी बैलेंस शीट आ सकती है, दैट्स आई लाइक बेसिकली आई एम यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री, अदर पीपल माइट हैव बीन पेइंग इट फॉर, लाइक पेइंग इट फॉर द इन्फॉर्मेशन. इसके बाद में भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज क्या होती है ना कि खर्चा करती है. जैसे दो इन्वेस्टर लेते हैं, एक छोटा इन्वेस्टर, एक बड़ा इन्वेस्टर. अब छोटा इन्वेस्टर यानी कि मैं मान लो, और बड़ा इन्वेस्टर यानी कि राकेश झुंझुनवाला मान लो. राकेश झुंझुनवाले को अगर शेयर मार्केट में किसी शेयर्स में या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कम से कम 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की सोच रहा होगा. वो 1-1 लाख रुपए के लिए डिसीजन तो लेगा नहीं. तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इतने बिना किसी रिसर्च के करेगा भी नहीं. अब रिसर्च करवाना है तो उसको कुछ खर्चा आएगा.
सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही नहीं, बाकी की भी चीजें करनी पड़ती है। जैसे हो सकता है वो किसी कस्टमर, किसी भी इंसान को, अपने बंदे को कस्टमर बना के भेजे, पता करे कि इस कंपनी की सर्विस कैसी है, पता करे कि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कितना होगा। फाइनली इतनी सारी कॉस्ट मान लो कुछ भी बियर करने के बाद में वो डिसाइड करता है कि इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीद लेने चाहिए। तो उसने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, 1 लाख शेयर्स की मार्केट में बिडिंग आ जाती है, तो आप पूरी मार्केट को पता चल जाता है कि इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदे गए। मैंने, मेरे को ये पता चल गया और मैंने भी शेयर्स खरीद लिए उसी कंपनी के, ये समझ के कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने ये शेयर्स खरीदे होंगे, क्योंकि 1 लाख शेयर्स खरीदना कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर की बात नहीं है, और अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने खरीदे तो कोई सोच समझ के ही खरीदा होगा। अब क्या होगा, वो उसने भी खरीद लिए 1 लाख शेयर्स, मैंने हो सकता है सिर्फ 1,000 शेयर्स खरीदे होंगे। इसके बाद आज से ठीक 1 साल बाद अगर कंपनी 10% रिटर्न देती है तो किसको फायदा होगा? राकेश झुंझुनवाला को फायदा होगा 10%, मेरे को फायदा होगा 10%। लेकिन ये जो गेन है इसके लिए राकेश झुंझुनवाला ने पे किया था, खर्चा उठाया था रिसर्च में, लेकिन मैंने फ्री में यूज किया, मैंने तो कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन गेन दोनों को होना है। दिस इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम इन द मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। आई समझ में बात आपके? तो बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करते हैं। तो बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम जाए तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? अब यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को? जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में बैंक्स काफी मेजर रोल प्ले करती है फाइनेंशियल सिस्टम में। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स टेलर मेड होते हैं। जैसे कि लोन देना है बैंक को, रिलायंस वाले अगर लोन लेने जाते हैं तो भाई उनके लिए अलग से टर्म्स एंड कंडीशन, अलग से इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, लेकिन मेरे लिए अलग रहेगा वो रेट मेरे को लगेगा क्या? नहीं। मार्केट में शेयर्स खरीदने जाए रिलायंस किसी कंपनी के, अनिल अंबानी किसी कंपनी के और मैं किसी कंपनी के, दोनों को सेम प्राइस पड़ेगी, लेकिन बैंक के केस में अलग अलग है। सो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप होता है। विथ पार्टीज। थर्ड, कोई फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने मान लो बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, एफडी खोली या सेविंग बैंक्स में डाला, तो आईसीआईसीआई बैंक वाले सबके लिए 4% ही सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट है, एफडी के रेट्स भी सबके लिए सेम है आईसीआईसीआई बैंक के, ठीक है। अब इसके बाद किसी ने 100 करोड़ डाले किस में, और मैंने मान लो 1,000 रुपये डाले, सॉरी 1,000 भी मतलब अगर आठ बार बात करें हम सेविंग बैंक्स में ही ले लो, एफडी या एफडी ले लो, एफडी खोली मान लो, ठीक है, एट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, तो मैंने 10 लाख डाले, उसने 100 करोड़ डाले, दोनों को रेट अप्लीकेबल सेम है, ठीक है, इनकम सेम हो रही है, ठीक है। उसके बाद पैसा किसके पास गया? बैंक के पास में। अब ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये कौन डिसाइड करता है? आप और मैं डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, बैंक के मैनेजर्स खुद रिसर्च करेंगे, खुद खर्चा करेंगे और फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो रिसर्च एंड एवरीथिंग इज डन बाय द बैंक्स, दे आर इनकरिंग द कॉस्ट। यहाँ पे एज सच कुछ नहीं हो रहा कि कोई फ्री में इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है या फ्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा, नथिंग लाइक दिस, क्योंकि हम बैंक को पैसा दे देते हैं, बैंक फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, बैंक का लुकआउट होता है, लोन किसको देना है किसको नहीं देना, यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इनोवेशन को यहां पे ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि बैंक्स जनरली लो रिस्क प्रेफर करती है, और क्योंकि बैंक लो रिस्क प्रेफर करती है तो वो ऐसे ही जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद करती है जो कि स्टेबल हो, ऐसे ही कंपनीज जो कि स्टेबल हो, जिनका पास्ट में कुछ रिकॉर्ड हो। आप नई ना आप अपना स्टार्टअप खोलो और बैंक से लोन लेने जाओ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर होगा आपका स्टार्टअप, इतना आसानी से लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क बना होता है, चलेगा या नहीं चलेगा। सो यहाँ इनोवेशन में प्रॉब्लम गई। सेकेंड थिंग इज इम्पेड्स मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में। आपने देखा होगा कि ऑल टाइम कुछ ना कुछ आईपीओ तो मार्केट में चालू रहते ही है, तो साल भर में 1,000 कंपनीज लिस्ट हो सकती है, लेकिन साल भर में 1,000 बैंक्स नहीं आ सकती,
the rules and regulation in our country in the banking system are so stringent that नए एंट्री नए बैंक्स को एंट्री मिलना इतना आसान नहीं होता. सो यहाँ पे एंट्री इम्पेड होती है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया कि कौन से दो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं डिज़ाइन के ऊपर अगर हम बेस बनाए तो. एक होता है बैंक बेस्ड और एक होता है मार्केट बेस्ड. उसके बाद में डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है और अंडर डेवलप्ड कौन सी है. डेवलप्ड में हमने डिस्कस किया था कि जर्मनी जापान फ्रांस इटली. अंडर डेवलप्ड में इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका अर्जेंटीना इधर यूएस यूके कोरिया सिंगापुर मलेशिया एक्सेट्रा. यहाँ ब्राज़ील मेक्सिको टर्की. तो ये सब चीज़ें थी. सो द फर्स्ट थिंग वॉज कितने पार्ट से दो पार्ट है बैंक बेस्ड और मार्केट बेस्ड. सेकंड चीज़ थी कि कौन कौन सी कंट्रीज है. थर्ड चीज़ थी कि बैंक बेस्ड क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. एंड द फोर्थ वन इज़ द मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम. सो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है. और अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो एक ये पार्ट भी बनता है आपका. आपको लिखना अलग तरीके से है ठीक है. मैं बहुत शॉर्ट में लिख के बताता हूँ. पहला बेसिस हो गया आपका बैंक में डोमिनेट कौन करता है फाइनेंशियल सिस्टम को. यहाँ बैंक्स डोमिनेट करती है यहाँ मार्केट डोमिनेट करता है. मार्केट यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट. इसके बाद कंट्रीज ले लो एग्जांपल दे दो आप यहाँ पे इंडिया जापान यहाँ यूएस यूके. इसके बाद में फ्री राइडर प्रॉब्लम बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं होती लेकिन मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में होती है. इनोवेशन में जो ग्रोथ होती है या सपोर्ट मिलता है वो बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं मिलता लेकिन मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में मिलता है. क्योंकि मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में जो कंपनीज आती है वो लिस्टिंग होती है तो उनको पैसा मिलता है. शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं भले ही वो रिस्की होता है. सिंपल सी बात है. न्यू एंट्री यहाँ इतने आसान नहीं लेकिन यहाँ पे है. और क्या क्या पॉइंट थे अपने. स्टेबिलिटी हाँ स्टेबिलिटी की अगर बात करें हम बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम नॉर्मली स्टेबल होता है लेकिन ये स्टेबल होना ज़रूरी नहीं है मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम. दिस इज डिसएडवांटेज ठीक है. और क्लोज रिलेशनशिप विद पार्टीज या टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर बोलो तो यहाँ पॉसिबल है यहाँ पॉसिबल नहीं है. बेसिकली ऊपर के छः आप अगर ऑप्शन लिख भी दो डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन में तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. सो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो ध्यान दो. पहले तो डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट बेस्ड बैंक बेस्ड ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ठीक है. चार मार्क यहाँ पे. अगर आपको क्वेश्चन आया एडवांटेजेस ऑफ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम एडवांटेज ऑफ बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम या बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम या फिर आपको ये भी आया कि डिफाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम डिज़ाइन तो आपको लिखते आना चाहिए. सो दिस इज द
एंटायर वीडियो थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आ जाती है इससे। नोट डाउन कर लो इतनी सारी चीज़ें, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।